नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर। राष्ट्रपति ने जीआईएस 2023 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। राष्ट्रपति आज लखनऊ स्थित राजभवन में करेंगी रात्रि विश्राम। राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन रखा गया है। राष्ट्रपति कल सुबह यूपी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का फिल्म प्रस्तुतिकरण देखेंगे। आदिवासी समाज बुक्सा के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और कल दोपहर बाद राष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना होंगी। तो दो दिन का ये उत्तर प्रदेश का दौरा, कल दोपहर के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगी, लेकिन अभी आज से दो दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। राष्ट्रपति ने जीआईएस 2023 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया है। राष्ट्रपति आज लखनऊ स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन रखा गया है। राष्ट्रपति कल सुबह यूपी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का फिल्म प्रस्तुतिकरण देखेंगी। आदिवासी समाज बुक्सा के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। कल दोपहर बाद राष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना। विकसित भारत के विराट संकल्प की ओर एक बड़ा कदम। महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आज लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। 12,173 करोड़ से बने 247 किलोमीटर लंबी नेशनल एक्सप्रेस वे की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर वीके सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। तो एक्सप्रेस वे से दिल्ली से जयपुर की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी होगी। साथ ही 6 लेन कोटपुतली अलवर दिल्ली मुंबई इंटरचेंज, NH 148, 4 लेन बांदीकुई जयपुर, 2 लेन पेव्ड शोल्डर लालसोट करौली परियोजना का शिलान्यास किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये शिलान्यास किया वर्चुअली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े। विकसित भारत के विराट संकल्प की ओर एक बड़ा कदम ये बढ़ाते हुए महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आज लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। 12,173 करोड़ से बने 247 किलोमीटर लंबी नेशनल एक्सप्रेस वे की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर वीके सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। एक्सप्रेस वे से दिल्ली से जयपुर की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी होगी और साथ ही 6 लेन कोटपुतली अलवर दिल्ली मुंबई इंटरचेंज, NH 148, 4 लेन बांदीकुई जयपुर, 2 लेन पेव्ड शोल्डर लालसोट करौली परियोजना का शिलान्यास किया। देवनगरी दौसा की धरा पर प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने दौसा के धनावण में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आज जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया और कहा एक्सप्रेस वे से राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ का बच्चा माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित है। राजस्थान शूरवीरों की धरती है। इस हाईवे से किसानों व्यापारियों को लाभ होगा। ये विकसित भारत बनने का संकल्प है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। रेल सड़कों के विकास से राजस्थान को फायदा होगा। पहले राजस्थान को बीमारू राज्य कहा जाता था। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से रोजगार मिलता है। अब जयपुर से दिल्ली का सफर कम वक्त में तय होगा। एक्सप्रेस वे से कई राज्यों को भी लाभ मिलेगा। आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से उद्योगों को फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार, व्यापार, उद्योग को फायदा मिलेगा। राजस्थान जहां पहले कहा जाता था बीमारू प्रदेश, ऐसा संबोधन में अपने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा कि अब उसे आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया और कहा कि एक्सप्रेस वे से राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। यहां का बच्चा माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित है। राजस्थान शूरवीरों की धरती है और इस हाईवे से किसानों व्यापारियों को लाभ होगा। ये विकसित भारत बनने का संकल्प है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। रेल सड़कों के विकास से राजस्थान को फायदा होगा और अब जयपुर से दिल्ली का सफर कम वक्त में तय किया जा सकेगा।
एक्सप्रेसवे से कई राज्यों को लाभ मिलेगा। आधुनिक कनेक्टिविटी से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के पर्यटन के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से उद्योगों को फायदा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार, व्यापार, उद्योग को फायदा मिलेगा। महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और कहा, यह हाईवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। ये देश का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। इस हाईवे से देश की प्रगति को गति मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश कर रही है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ दिए हैं। एक्सप्रेसवे से राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से रोजगार मिलता है। अब जयपुर से दिल्ली का सफर कम वक्त में तय होगा। एक्सप्रेसवे से कई राज्यों को लाभ होगा। आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे राजस्थान की तस्वीर बदल देगा। पश्चिमी भारत के कई राज्य बंदरगाहों से जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे को गति शक्ति मंत्रालय से गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई। महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ। एक्सप्रेसवे राजस्थान की तस्वीर बदल देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा। उन्होंने कहा, एक्सप्रेसवे से राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश से रोजगार मिलता है। अब जयपुर से दिल्ली का सफर कम वक्त में तय होगा। एक्सप्रेसवे से कई राज्यों को लाभ मिलेगा। आधुनिक कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो एक्सप्रेसवे राजस्थान की तस्वीर को बदल देगा। पश्चिमी भारत के कई राज्य बंदरगाहों से जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे को गति शक्ति मंत्रालय से गति मिली। महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताया और कहा, एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आभार। लंबित योजनाओं का नोटिफिकेशन जारी हो। राजस्थान में सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है। राजस्थान में विकास दर देश के नंबर 2 पर है। सड़क निर्माण के लिए 20,000 करोड़ का बजट है। हम ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संबोधन दिया। वर्चुअली वो जुड़े थे आज इस लोकार्पण में। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित किया तो वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपना संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार जताया। एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आभार। लंबित योजनाओं का नोटिफिकेशन जारी हो। राजस्थान में सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है। राजस्थान में विकास दर देश के नंबर 2 पर है। सड़क निर्माण के लिए 20,000 करोड़ का बजट। हम ब्लॉक लेवल पर इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया राजस्थान बजट घटनाक्रम का जिक्र, आज दौसा के जनसभा में पुराना किस्सा सुनाते हुए उन्होंने चुटकी ली और साधा मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना। कहा, एक बार मैं और मेरे एक साथी ने संघ प्रवास पर प्रवास के दौरान साथी ने कहा एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। जब हम दोनों पहुंचे उस शादी वाले घर में तो उस घर में कोई शादी जैसा माहौल नहीं था। आखिर हमने थक हार कर पूछ लिया कि परिवार से शादी कब है और इस घर में शादी जैसा माहौल क्यों नहीं है। लेकिन परिजनों का जवाब सुनकर मैं और मेरे साथी हतप्रभ रह गए। परिजनों ने कहा, शादी तो एक साल पहले थी, आज ही के दिन आप एक साल लेट आए शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही वाकया घटा राजस्थान में बजट पेश करते समय। गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन पिछला बजट एक साल से डिब्बे में ही बंद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये चुटकी लेते हुए कहा। आज जब वो लोकार्पण के लिए पहुंचे, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान बजट घटनाक्रम का जिक्र कर दिया, दौसा की जनसभा में पुराना किस्सा सुनाते हुए चुटकी ली और मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा। कहा, एक बार मैं और मेरे एक साथी संघ प्रवास पर थे। प्रवास के बाद मेरे साथी ने कहा एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। जब हम दोनों उस शादी वाले घर पहुंचे तो उस घर में शादी जैसा कोई माहौल नहीं था।
आखिर हमने थक हार कर पूछ ही लिया परिवार से शादी को लेकर, लेकिन परिजनों का जवाब सुनकर मैं और मेरे साथी हतप्रभ रह गए। परिजनों ने कहा, शादी तो एक साल पहले थी, आज ही के दिन आप एक साल लेट आए हैं शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही वाकया घटा है राजस्थान में बजट पेश करते समय। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन पिछला बजट एक साल से डिब्बे में ही बंद था। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा एयरो इंडिया शो। 109 विदेशियों सहित 807 इकाइयों ने भाग लेने की पुष्टि की है। येलहंका में एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो इंडिया शो का आयोजन। कल एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आकर्षण का केंद्र होगा भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस। तो तेजस आकर्षण का केंद्र रहेगा। बेंगलुरु में 13 फरवरी से एयरो इंडिया शो शुरू होगा। 109 विदेशियों सहित 807 इकाइयों ने भाग लेने की पुष्टि की है। येलहंका में एयरफोर्स स्टेशन पर एयरो इंडिया का शो आयोजित किया जाएगा। कल एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आकर्षण का केंद्र होगा भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर। त्रिपुरा के चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कहा, त्रिपुरा के गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है। डबल इंजन की सरकार से विकास संभव है। त्रिपुरा में अब भाजपा के काम का असर दिखने लगा है और इसलिए वाम और कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं। त्रिपुरा में लंबे समय तक आदिवासियों को लेफ्ट ने धोखा दिया। अब लोगों को ठगने के लिए एक आदिवासी नेता को सीएम के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। तो अमित शाह जिन्होंने त्रिपुरा दौरे के दौरान यह संबोधन दिया, त्रिपुरा के चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा, त्रिपुरा के गांव-गांव तक विकास पहुंचा है। डबल इंजन की सरकार से विकास संभव है। त्रिपुरा में अब भाजपा के काम का असर दिखने लगा है और इसलिए वाम और कांग्रेस डरे हुए हैं। त्रिपुरा में लंबे समय तक आदिवासियों की लेफ्ट ने धोखा दिया। अब लोगों को ठगने के लिए एक आदिवासी नेता को सीएम चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। पश्चिमी बंगाल दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन में ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा, आज का सैलाब बता रहा है बंगाल में परिवर्तन होगा। बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास आवास हैं, पीएम आवास योजना में उन्हें भी पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया है। किसान योजना को भी 3 साल तक लागू नहीं किया गया। जब भाजपा ने मुद्दा बनाया तो लागू किया गया। जेपी नड्डा ने ये कहा और पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे तो उस दौरान अपने संबोधन में ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा, आज का सैलाब बंगाल में परिवर्तन होगा ये बता रहा है। बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पास आवास है, पीएम आवास योजना में उन्हें भी पक्के मकान मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया है। किसान योजना को भी 3 साल तक लागू नहीं किया गया। जब भाजपा ने मुद्दा बनाया तो लागू किया गया। राज्यों में राज्यपालों की हुई नियुक्ति। गुलाबचंद कटारिया होंगे असम के नए राज्यपाल। रमेश बेस होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के राज्यपाल होंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। सीपी राधाकृष्णन होंगे झारखंड के राज्यपाल। केवल्य त्रिविक्रम पर नायक अरुणाचल प्रदेश। शिवप्रताप शुक्ल हिमाचल के राज्यपाल होंगे। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। तो अनुसुईया उइके मणिपुर। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल होंगे। तो फागू सिंह चौहान मेघालय। डॉक्टर बी डी मिश्रा होंगे लद्दाख के एलजी। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी राष्ट्रपति ने मंजूर किया है। तो ये राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं। 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। गुलाबचंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। रमेश बेस होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के राज्यपाल होंगे। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल होंगे। केवल्य त्रिविक्रम पर नायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। शिवप्रताप सिंह शुक्ल हिमाचल के राज्यपाल होंगे। एस अब्दुल नजीर
आंध्र प्रदेश के, तो बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होंगे। अनुसुईया उइके मणिपुर, ला गणेशन होंगे नागालैंड के राज्यपाल। फागू सिंह चौहान मेघालय, डॉक्टर बीडी मिश्रा लद्दाख के एलजी होंगे। तो लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर का इस्तीफा मंजूर हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा भी राष्ट्रपति ने मंजूर किया है। गुलाबचंद कटारिया बने असम के नए राज्यपाल। राज्यपाल बनने पर गुलाबचंद कटारिया की प्रतिक्रिया, कहा, मुझे असम का राज्यपाल बनाने लायक समझा गया। पार्टी ने मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी, मैंने उसे मेहनत और क्षमता के साथ किया है। मुझे पार्टी ने 11 बार टिकट देकर चुनाव लड़ाने का मौका दिया। मुझे इस लायक समझा गया तो मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पद मांगने के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया, उन्होंने खुद मुझे वो दिया है। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तब भी मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। गुलाबचंद कटारिया का ये कहना, और गुलाबचंद कटारिया क्योंकि अब असम के नए राज्यपाल बने हैं, तो राज्यपाल बनने पर गुलाबचंद कटारिया की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मुझे असम का राज्यपाल बनाने के लायक समझा गया। पार्टी ने मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है, मैंने उसे मेहनत और क्षमता के साथ पूरा किया है। मुझे पार्टी ने 11 बार टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मुझे इस लायक समझा गया तो मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पद मांगने के लिए मैं कभी किसी के पास में नहीं गया, उन्होंने मुझे वो खुद दिया। जब मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तब भी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता होंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे। केंद्र सरकार ने दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी। 11 जनवरी 1961 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे हैं जस्टिस मेहता। जस्टिस मेहता ने जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस मेहता ने 1988 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत कराया था। ट्रायल कोर्ट सहित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर से वकालत शुरू की। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जस्टिस मेहता राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर चुके हैं। वर्ष 2004-05 तक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष और 2010 में चुने गए अध्यक्ष। करीब 25 वर्ष के वकालत के अनुभव के साथ 30 मई 2011 को हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस संदीप मेहता को जाना जाता है राजस्थान में विधिक सेवा के प्रयासों के लिए भी। जस्टिस संदीप मेहता, जिन्हें कई प्रयासों के लिए, विधिक सेवा के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। अब राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 11 जनवरी 1961 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे जस्टिस मेहता जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ की डिग्री हासिल कर चुके हैं। जस्टिस मेहता ने 1988 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत कराया था। ट्रायल कोर्ट सहित राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर से ही वकालत शुरू की। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जस्टिस मेहता राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर चुके हैं। वर्ष 2004-05 तक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष और 2010 में चुने गए अध्यक्ष। करीब 25 वर्ष के वकालत के अनुभव के साथ 30 मई 2011 को हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस संदीप मेहता को राजस्थान में विधिक सेवा के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। राज्यपाल और चीफ जस्टिस नियुक्ति को लेकर गजब संयुक्त। गुलाबचंद कटारिया होंगे असम के नए राज्यपाल और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता होंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को कॉलेजियम कर केंद्र सरकार को सिफारिश दी थी। जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। तो ये राज्यपाल और चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर गजब का संयोग नजर आया है। गुलाबचंद कटारिया असम के नए राज्यपाल और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को कॉलेजियम कर केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। जस्टिस संदीप मेहता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
लखनऊ में कल से G20 समिट का आयोजन। G20 समिट के लिए मेहमानों का लखनऊ पहुंचना शुरू है। कल से राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय G20 समिट शुरू होगा। G20 देशों के साथ साथ भारत के 9 मित्र देशों के कुल 120 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रत्येक आगंतुक का समिट में कोविड टेस्ट होगा। मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यूपी सरकार द्वारा 14 फरवरी को अतिथियों के लिए होटल ताज में भोज का आयोजन रखा गया है। तो लखनऊ में कल से G20 समिट का आयोजन है और G20 समिट के लिए लखनऊ पहुंचना मेहमानों का शुरू हो चुका है। कल से राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय G20 समिट शुरू होगा। G20 देशों के साथ साथ भारत के 9 मित्र देशों के कुल 120 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक आगंतुक का समिट में कोविड टेस्ट होगा। मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यूपी सरकार द्वारा 14 फरवरी को अतिथियों के लिए होटल ताज में भोज का आयोजन रखा गया है। आखिर ये क्या हुआ धारीवाल को? रीको है राजस्थान की एक सिरमौर औद्योगिक संस्था और कुलदीप राका के नेतृत्व में रीको अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ना जाने आज क्या सूझी धारीवाल को और कोटा के एक कार्यक्रम में रीको के कामकाज की आलोचना कर दी। कहा रीको एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये अफसरों का बनाया कॉरपोरेशन जिसे अफसर चलाते। कोई मंत्री कमजोर होता है तो उसकी अक्ल निकाल कर बनवा देते बोर्ड या कॉरपोरेशन। विकास मेणंगा और प्लानिंग को डिस्टर्ब करने के आरोप लग रहे हैं रीको पर। और कोटा में उद्यमियों के एक कार्यक्रम को संबोधित धारीवाल कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने रीको की आलोचना कर दी। अब आज धारीवाल को ये क्या हुआ? रीको राजस्थान की एक सिरमौर औद्योगिक संस्था है, कुलदीप रागा के नेतृत्व में रीको अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ना जाने आज क्या सूझी धारीवाल को और कोटा में एक कार्यक्रम में रीको के कामकाज की आलोचना कर दी। कहा रीको एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये अफसरों का बनाया हुआ कॉरपोरेशन है जिसे अफसर चलाते हैं। कोई मंत्री कमजोर होता है तो उसकी अक्ल निकाल कर बोर्ड या कॉरपोरेशन बनवा देते हैं। विकास में अड़ंगा और प्लानिंग को डिस्टर्ब करने के लिए आरोप लग रहे हैं रीको पर। और कोटा में उद्यमियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धारीवाल ने ये कहा। दौसा की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज, मोदी मोदी के नारों से पूरा पंडाल गूंज गया। बड़ी संख्या में मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचे। लगभग 70,000 लोगों की भीड़ जनसभा यहां पर उमड़ी। भीड़ का उत्साह देख खुद नरेंद्र मोदी गदगद नजर आए। कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी भी बाकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी दौसा की जनसभा में जब पहुंचे तो लोगों के बीच उनका क्रेज नजर आया। मोदी मोदी के नारों से पांडाल गूंजा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।